हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो एडिक्शन। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्कोडा रैपिड के ओडोमीटर और उसके सारे फंक्शंस के बारे में। जो नए कस्टमर्स और जो स्कोडा रैपिड के नए कस्टमर्स होते हैं, जो जिन्होंने नई नई परचेज की होती है, उनको समझ में नहीं आता है। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था स्टार्टिंग में, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और ऐसी वीडियो मुझे कोई यूट्यूब पर दिखाई नहीं दी थी, मैंने काफ़ी दिन सर्च किया था इसके सारे फंक्शंस जानने के लिए, लेकिन मैनुअल में भी ऐसे हमें प्रॉपरली दिखाई नहीं पड़ता है, समझ में नहीं आ पाता है, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें हम क्लॉक कैसे सेट करेंगे। क्लॉक सेट करने के लिए हमें यहाँ पे क्लॉक का एक बटन मिलेगा, तो हम इसको प्रेस करेंगे जिससे हम क्लॉक का ये हम कर सकते हैं। उसके बाद हम अगर इसको हम आगे करना है तो इसके सेट के बटन से हम इसको आगे कर सकते हैं प्रेस करके। तो अभी 828 हो रखे हैं, तो मैं इसको 828 पे सेट कर देता हूँ। दोबारा से हम इसको प्रेस करेंगे तो मिनट्स का हम सेट कर पाएंगे, मिनट्स को हम सेट कर पाएंगे। और अगर हम फिर से इसको दोबारा से मिनट्स के बाद फिर से हम सेट करते हैं, तो इसमें हमें कितने किलोमीटर्स पे सर्विस ड्यू है और लास्ट कितने किलोमीटर गाड़ी चली है वो सब शो होता है। और यहाँ हमें ट्रिप शो होता है कि कितना हमें लास्ट। इसके बाद हम आते हैं कि हम इसके ये ट्रिप लास्ट माइलेज और ये सब हम कैसे देख पाएंगे। यही मुझे कन्फ्यूज़न हुई थी स्टार्टिंग में, और ये बाद में पता लगा था कि ये हम सी ये सारी हमें शो तो यहाँ पर होंगी ये, लेकिन हम देख पाएंगे इस बटन से, इन बटन से, यहाँ पे ये बटन से जो यहाँ पे, तो इसको हम फर्स्ट टाइम प्रेस करेंगे। एक बार प्रेस करेंगे तो हमें यहाँ पे आया 6 किलोमीटर पर आवर की हमें लास्ट जो गाड़ी स्टॉप होने के पहले लास्ट कितने किलोमीटर की स्पीड पे चल रही थी गाड़ी। तो मैं अभी धीरे धीरे आया हूँ, तो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में शो की है टाइम, लास्ट जो रिकॉर्डेड स्पीड थी इसकी। उसके बाद लास्ट चली कितनी है, लाइक गाड़ी स्टॉप होने से पहले रात को मैंने गाड़ी खड़ी करी थी, तो उसके बाद सुबह से अब जहाँ पे मैं आया हूँ यहाँ पे 2 किलोमीटर गाड़ी चली है, तो ये वो हमें रिकॉर्ड शो कर रहा है कि यहाँ पे लास्ट 2 किलोमीटर गाड़ी शो हुई है। फिर से हम इस बटन को अगर प्रेस करते हैं यहाँ पे स्टेयरिंग के पास से, तो अब हमें गाड़ी की रेंज दिखा रहा है कि कितने किलोमीटर गाड़ी चलेगी, अभी जितना फ्यूल है इसमें गाड़ी कितने किलोमीटर चल पाएगी। इसके बाद लास्ट रिकॉर्डेड माइलेज इसकी गाड़ी की शो कर रहा है 6.6 किलोमीटर पर लीटर, क्योंकि मैंने अभी जहाँ से मैंने स्टार्ट करी थी गाड़ी वहाँ से मैंने 0 to 100 वाली वीडियोस में रिकॉर्ड करी थी, तो इसलिए फ्यूल कंजप्शन इसका ज़्यादा दिखा रहा है 6.5 किलोमीटर पर लीटर। उसके बाद हम फिर से इस बटन को अगर हम प्रेस करते हैं तो गाड़ी स्टार्ट जब से हुई है अभी रात को, लाइक लंबे गैप के बाद जब दोबारा से गाड़ी स्टार्ट हुई है, उसके बाद गाड़ी को कितना ट्रैवल, कितना टाइम से चल रही है या फिर कितना टाइम हो चुका है, तो ये 25 मिनट्स उसकी शो कर रहा है रिकॉर्ड। ये गाड़ी का इंजन का टेम्परेचर शो कर रहा है 90 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद जो इन्वायरमेंट का बाहर का टेम्परेचर है वो हमें यहाँ पे शो हो रहा है 33.5 डिग्री सेल्सियस, और इसी बटन से हम सारे कंट्रोल्स कर पा रहे हैं। ये फिर से मैंने शो किया तो अभी गाड़ी कोई चल नहीं रही है, इसलिए 0 किलोमीटर पर आवर नहीं दिखा रहा है कुछ भी। और यहाँ पे अब हम देखेंगे दोबारा से 0 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, अगर अब गाड़ी स्टॉप है यहाँ पे रुकी हुई है रेस्ट पोजीशन पे, तो इसलिए 0.5। उसके बाद हम ये और देख लेते हैं कि इसमें हम गाड़ी को अगर हम गाड़ी कर चला रहे हैं तो क्रूज़ कंट्रोल कैसे सेट कर पाएंगे। तो क्रूज़ कंट्रोल हम इसका इस तरीके से सेट कर पाएंगे कि हम इसको ऑन कर देंगे, यहाँ पे ये ऑफ हो गया, इससे क्रूज़ कंट्रोल अब हम अगर गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो क्रूज़ कंट्रोल नहीं ऑन हो पाएगा, इसलिए अब हमने इसको ऑन कर दिया है, क्रूज़ कंट्रोल ऑन हो जाएगा। और जैसे ही हम गाड़ी को चलाएंगे तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा जाती ही गाड़ी को हम क्रूज़ कंट्रोल पर लगा सकते हैं, जिससे हम इस वाले बटन से हम क्रूज़ कंट्रोल को ऑन कर सकते हैं। और